केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित नेट 2016 रविवार को सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। जिले के 36 केंद्रों पर 16,688 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई। सिटी कोऑर्डिनेटर आरके श्रीवास्तव ने बताया कि नीट की परीक्षा में किसी प्रकार की नकल न हो, इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए और बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की। परीक्षार्थियों को ढीले कपड़े पहनकर आने और चप्पल या सैंडल पहनकर आने पर ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई। परीक्षा में नकल रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर और जैमर भी लगाए गए। साथ ही परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी भी कराई गई। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी निर्देशक है उन निर्देशों का पालन करते हुए प्राचार्य महोदय में विद्यालय में सभी तरह की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर दी गई है और जो हमारे को जिस तरह से समय समय पर जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे उनका पालन करते हुए हमने सेंटर को वेल अपडेट और स्टूडेंट फ्रेंडली बना दिया है ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सही था, फिजिक्स थोड़ा अच्छा दिया था, बाकी केमिस्ट्री और बायो ईजी दिया था। लेंदी तो बस फिजिक्स में था जो भी था, बाकी तो इजी दिया था इन्होंने। मेडिकल का था, AIPMT था, ऑल इंडिया, और पेपर काफ़ी नॉर्मल था, क्वेश्चन सही थे, जो भी क्वेश्चन थे सारे पढ़े हुए थे लगभग, और क्वेश्चन नॉर्मल थे। और मैं कोटा से आया हूँ। पेपर अच्छा था, इजी था, क्वेश्चंस मतलब नॉर्मल थे, एवरेज क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मेडिकल के हिसाब से अच्छा पेपर था एंड इसमें मेरिट भी काफ़ी अच्छा जाएगा, 500 से अब हो जाएगा जनरल का मुझे लग रहा है ऐसा। मेरा एक ईयर ड्रॉप है। मैं अजमेर से ही हूँ। पेपर कंपैरेटिवली इजी था, बायो एज यूजुअल था, NCERT बेस्ड था काफ़ी हद तक, फिजिक्स ऑल टुगेदर ठीक था, लेवल अच्छा था पेपर का, केमिस्ट्री भी इजी था। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम 11। जोधपुर से तैयारी कर रही थी, पिछले 1 साल से तैयारी करवा रहा हूँ और मुझे अच्छी उम्मीद है सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा खत्म होने के बाद घर लौटते परीक्षार्थियों के वाहनों की रेलम पेल से शहर के अनेक मार्गो पर जाम के हालात पैदा हो गए। मार्टिनल ब्रिज से स्टेशन रोड, आगरा गेट, पृथ्वीराज मार्ग, बजरंगढ़ चौराहा ऐसे मार्ग थे जहां से लोगों को गुजरने में कई कई घंटे लग गए। भीषण गर्मी के चलते वाहन चालकों का बुरा हाल हो गया। राहगीरों ने ट्रैफिक व्यवस्था को कोसते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को एक तरफा करना अति आवश्यक है। मौजूदा यातायात की स्थिति को देखते हुए यातायात विभाग को ऐसे समय में नई गाइडलाइन के अनुसार ट्रैफिक डायवर्ट करना चाहिए। समस्या आ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। बहुत समय से आ रहे, 2 घंटे से मैंने ट्रैफिक नहीं खुला हमारा। कहाँ का रोड बंद है? भाईसा का रोड का बंद है, वैशाली का बंद है, इधर चारों तरफ का रास्ता बंद है, मजार का इधर बंद है, बस स्टैंड का तो बिल्कुल ही, वो विक्टोरिया की तरफ 12 बज रही है। कितनी देर हो गई? 2 घंटे हो गए। अरे स्टेशन से ही लेकर के और 1 घंटा हो गया हमको चलाते चलाते यार। कहाँ कहाँ जाम लगा हुआ है? सब जगह लगा हुआ है, ठेठ मार्टिन ब्रिज से लेकर के यहाँ तक। क्या होना क्या चाहिए वैसा होनी चाहिए, वन वे होना चाहिए। अबे तो आने जब आधा घंटा लग गया, ऐसी ट्रैफिक को बहुत कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा। राजस्थान गवर्नमेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है, रोड को वाइंडिंग करें और या बाईपास कुछ वन वे निकालें।